20,000 करोड़ का फालतू प्रोजेक्ट, जब देश में ऑलरेडी पार्लियामेंट है तो अब नए पार्लियामेंट की क्या जरूरत, और टैक्स पेयर्स का पैसा गवर्नमेंट अपने ऐशो आराम के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है, और अगर अपग्रेड करना ही होता तो पुराने वाले को रेनोवेट क्यों नहीं किया। ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस अपने बेनिफिट्स के लिए उठा रहे हैं तो कुछ लोग अपने इग्नोरेंस की वजह से। और आज इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम उन सभी सवालों को देखें जो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के टाइम पे उठ रहा है, और कुछ ऐसे मिथ्स को भी देखें जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि व्हाई दिस न्यू पार्लियामेंट। इसके पीछे दो रीजन है, एक इलेक्टोरल और दूसरा स्ट्रक्चरल। अब बारी बारी से दोनों को समझते हैं। देश का सबसे पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1952 में। तब देश का पॉपुलेशन था 37 करोड़, और पूरे देश भर में से नंबर ऑफ एमपीज थे 489। आजादी के 75 साल बाद आज देश का पॉपुलेशन 140-150 करोड़ छूने को आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एमपीज उसके मुकाबले कम है, वही 545। मतलब कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेशन का एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। इस चीज को सिर्फ 2019 में ही नहीं समझा गया, इससे पहले भी इस चीज पर बहुत बार डिबेट्स एंड डिस्कशन होता आ रहा है। पहले के प्लान के वाइज ये था कि नंबर ऑफ एमपीज पार्लियामेंट में तो सेम ही रहेंगे, लेकिन हर 10 साल में स्टेट में नंबर ऑफ एमपीज में बदलाव आएगा। अब अगर आप मान लो कि किसी स्टेट ने अपना पॉपुलेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल किया और किसी स्टेट ने इस चीज को सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं किया, तब तो जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उसको कम लोकसभा सीट्स मिलेंगी एज कम्पेयर टू उस स्टेट से जिसने अपने पॉपुलेशन को ठीक से कंट्रोल नहीं किया। तो ये तो एक तरीके से पूरा इनजस्टिस हो गया उस स्टेट के लिए जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को ठीक से अडॉप्ट किया। इससे नॉर्थ और साउथ में भी कंफ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि देखा जाए तो साउथर्न स्टेट्स ने अपने पॉपुलेशन को ठीक से कंट्रोल किया एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। और इसी वजह से लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज के नंबर को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया था, मतलब 1976 से 2001 तक, और फिर एक बार 2001 से 2026 तक फिर से एक बार 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। लेकिन अब स्थिति ये है कि 50 साल के लिए इस एमपी के नंबर को तो फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन अब इस चीज को और पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉपुलेशन से लेकर नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब इस चीज का सलूशन क्या है? सलूशन है डिलिमिटेशन। अभी का जो डिलिमिटेशन का प्लान है उसके हिसाब से देश का नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ इस तरीके से बटेंगी कि 800 प्लस कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। तब तो ठीक है, अच्छी बात है, डिलिमिटेशन कराओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, अब यहाँ से दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है, और वो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। अब अगर देश भर से 800 से भी ज्यादा एमपीज इलेक्ट होके आए तो इन्हें बिठाएंगे कहाँ, क्योंकि अब के पार्लियामेंट में तो सिर्फ 552 मेंबर्स का ही जगह है। तो ऑब्वियसली इस कैपेसिटी को तो एक्सपांड करना ही पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पार्लियामेंट में एक्सपांड करने का कोई चांस ही नहीं है। इवन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल पे जहाँ पर ज्वाइंट सेशंस होता है वहाँ पे भी एमपीज के लिए एनफ सीट्स नहीं है। सेंट्रल हॉल में सिर्फ 430 सीट्स है, जो कि बहुत ही कम है अभी के लोकसभा मेंबर्स के लिए। इवन आज की डेट में ज्वाइंट सेशन के वक्त सेंट्रल हॉल पे टेम्पररी चेयर बिठाया जाता है एमपीज के लिए, जो कि बहुत ही अनडिग्निफाइड और अनसेफ है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि 96 साल पुराने इस बिल्डिंग का कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ड्रॉइंग भी नहीं है जिससे कि इसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को समझा जाए। और तो और अब ये रीसेंट पार्लियामेंट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है भी या नहीं, इस पर भी डाउट है। और अब रिसेंटली दिल्ली बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन बन चुका है। अर्थक्वेक रिस्क फैक्टर की बात करें तो दिल्ली 1927 में सेस्मिक जोन 2 में था, और अभी सेस्मिक जोन 4 में है, और आगे चल के बहुत जल्द सेस्मिक जोन 5 तक चला जाएगा। इवन ये बिल्डिंग फायर सेफ भी नहीं है, इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इवैक्यूएशन के लिए अरेंजमेंट भी बहुत ही अनसेफ है। मिनिस्टर्स के ऑफिसेज और फैसिलिटीज जैसे कि डाइनिंग रूम, प्रेस रूम एटसेट्रा, इन सब की हालत भी आज ठीक नहीं है। इवन इस पार्लियामेंट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी उतना ज्यादा नहीं किया जा सकता, और अब हर 1.5 साल और 2 साल में इस पर नए नए एडिशंस और ऑल्टरनेशंस की वजह से ये काफी हद तक डैमेज भी हो चुका है। इन सभी कारणों की वजह से 2012 को लोकसभा स्पीकर मिसेस मीरा कुमार, 2015 को स्पीकर मिसेस सुमित्रा महाजन, और 2019 को स्पीकर ओम बिरला ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से न्यू पार्लियामेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसमें कितना खर्च आया होगा? इससे तो ना जाने कितने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी बन जाते हैं। और इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें कुछ मिथ्स और रियलिटीज को देखना पड़ेगा। मिथ नंबर 1, COVID-19 के टाइम पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल कब मिला था? सितंबर 2019 को, और COVID-19 कब आया था? मार्च 2020 को।
मतलब COVID-19 आने के बहुत पहले ही इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल गया था। और ये प्रोजेक्ट कोई एक दो साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक 6 साल का जनरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। मिथ नंबर 2, सेंट्रल विस्टा के फंड्स COVID-19 के रिस्पॉन्स और पब्लिक हेल्थ केयर से लिया गया। अगर आप देखोगे तो 2019 और 20 के फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पर 94,000 करोड़ रुपए खर्च किया और कोविड के टाइम पे ये बजट इंक्रीज हो गया 2.24 लाख करोड़ का हो गया। मतलब उस साल कोविड के वक्त हेल्थ केयर का बजट सेंट्रल विस्टा के बजट के मुकाबले 1000% ज्यादा था। और तो और फिस्कल ईयर 2021-2022 में 35,000 करोड़ सिर्फ वन टाइम वैक्सीनेशन के लिए ग्रांट किया गया था, जो कि 175% ज्यादा था उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जो कि 2026 को कंप्लीट होने वाला है। मतलब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से COVID-19 के रिस्पांस पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मिथ नंबर 3, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट डैमेज और ग्रीन स्पेसेस कम हो रहा है। एक मिथ ये भी है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा गया, लेकिन क्या आपको पता है कि कितने पेड़ों को काटा गया? 100,000, 1,00,000, 0। जी हाँ, एक भी पेड़ को काटा नहीं गया। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में तो कितने सारे पेड़ों को काटा जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक भी पेड़ को काटा नहीं गया, बल्कि ट्रांसप्लांट किया गया। मतलब पेड़ों को एज ए होल एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट के हिसाब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ने उस जगह के ग्रीन कवर को अल्टीमेटली बढ़ाया ही है, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि सभी ट्रांसप्लांटेड ट्रीज सर्वाइव नहीं किया। और इसका एक मेन रीजन था उस जगह का लोकेशन, दिल्ली और दिल्ली का पोल्यूशन। हालांकि गवर्नमेंट ने इस सेंट्रल विस्टा के अराउंड ग्रीन कवर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा प्लांटेशन भी किया। और गवर्नमेंट के हिसाब से इस ट्री ट्रांसप्लांटेशन और प्लांटेशन की वजह से 563 ट्रीज का प्रॉफिट ही हुआ है। मिथ नंबर 4, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से अब पब्लिक स्पेसेस कम हो रहा है। इस र्यूमर की माने तो अब सेंट्रल विस्टा में पब्लिक स्पेस नहीं होगा। मतलब पहले जो स्पेसेस जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होता था, लाइक पब्लिक स्क्वायर्स एंड पार्क्स, वो सब अब नहीं होगा और उन सभी स्पेस को अब गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगा, जो कि पूरे तरीके से सच नहीं है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पे अब एडिशनल पब्लिक एंड ग्रीन स्पेसेस अलाउ किया जाएगा। और तो और ये द नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इंडिया गेट, इसका प्लाजा और लॉन्स जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होगा। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में 80,000 स्क्वायर मीटर एरिया, जो कि पहले गवर्नमेंट इस्तेमाल किया करती थी, अब उसको म्यूजियम बना के नॉर्मल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल किया जाएगा। मिथ नंबर 5, लैक ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑन दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उसका कहना है कि इस प्रोजेक्ट में पब्लिक डिस्क्लोजर कम है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस पर अगर बात किया जाए तो 10 पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन डाला गया था दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को 8 महीने तक एग्जामिन किया और कुल 28 से भी ज्यादा हियरिंग किया गया। और फाइनली 5 जनवरी 2021 को 604 पेज के जजमेंट में इस चीज को क्लीन चिट दे दिया गया। सभी स्टेटूटरी अथॉरिटीज और रिस्पेक्टिव लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ने इस चीज को अप्रूव कर दिया। स्टेटूटरी अप्रूवल्स के सभी एप्लीकेशंस इवन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आज पब्लिक डोमेन पर मौजूद है, कोई भी इसे जाकर देख सकता है। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके आज बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, और हम सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए किसी ना किसी चीज में कॉन्ट्रोवर्सी ढूंढ ही लेती है, और इस चीज पर मैं आज नहीं जाना चाहती। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रोवर्सी मुझे इधर ये लगी कि आखिर इनॉग्रेशन सावरकर जयंती पर क्यों हो रहा है। थैंक यू।